Students, we are going to do question number 4 of your exercise 11.2 construction chapter. In this question, you have to construct a triangle ABC in which B is 60 degree, C is 45 degree, AB plus BC plus CA is 11 centimeter. 60 degree angle to banana hi hai, 45 degree angle bhi banana, but asal mein humara main use hoga 30 degree ka aur dusra main use hoga 22.5. यानी 60 का हाफ 30, 45 का हाफ 22.5 मींस आपने पहले सोचना है 30 डिग्री बनाए, फिर सोचना है 22.5 डिग्री बनाए, और आपको ये पेरिमीटर 11 सेंटीमीटर दिया है, तो आपने क्या करना है, P से लेके Q तक लाइन मारनी है 11 सेंटीमीटर की, और एंड पॉइंट को नाम दे देना P और दूसरे एंड पॉइंट को नाम देना Q. पहले 60 का बनाएंगे क्योंकि 60 चाहिए, यहां पे 45 का बना देंगे. अब 60 का एंगल ये रहा, देखिए 45 का एंगल बना के मेरे पास कुछ ऐसा आया, पर मैंने आपको बोला था मेन चीज यूज किसकी होगी 30 डिग्री की, और मेन चीज किसकी यूज होगी 22.5 की. तो अब मैं 60 से एक आर्क बनाऊंगा, 60 पे कंपास रखूंगा और 0 पे कंपास रखूंगा, दो आर्क्स बना लगा दूंगा, मेरे पास 30 डिग्री का एंगल ये बन गया, इसको मैंने शेड भी करा हुआ. फिर 22.5 बनाने के लिए मैं 45 पे कंपास रख के आर्क लगाऊंगा और 0 डिग्री पे कंपास रख के आर्क लगाऊंगा, मींस मेरे पास 22.5 डिग्री का एंगल बन गया और उसको मैंने शेड कर दिया ऐसे. अब हम क्या करेंगे, जहां पे जोन सी लाइन, जैसे 30 डिग्री वाली लाइन को डॉटेड लाइन बनाना है और 22.5 डिग्री वाली लाइन को डॉटेड लाइन बनाना है. अब जहां पे डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, याद रखिएगा, जहां पे डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट करेंगे उसको नाम दे दिया ए का. अब ए और पी का परपेंडिकुलर बाईसेक्टर निकाल लेंगे. ए पे कंपास खोल रखे के मोर देन हाफ खोल के ऐसे करा, नीचे की तरफ ऐसे करा, P पे मोर देन उतनी कंपास खोल के ऐसे करा और नीचे की तरफ से ऐसे करा, परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ये बन गया. फिर दूसरी बारी A और Q पे करेंगे हम, मोर देन हाफ रखेंगे, परपेंडिकुलर बाईसेक्टर AQ का निकाल दिया. अब मैंने इसको ऐसे परपेंडिकुलर बाईसेक्टर को करा और जहां पे इंटरसेक्ट करा इस लाइन को, उसको B का नाम दे दिया और इसको C का नाम दे दिया. यानी B परपेंडिकुलर बाईसेक्टर पे लाई कर रहा है, किस चीज का परपेंडिकुलर बाईसेक्टर है, PA का. C परपेंडिकुलर बाईसेक्टर पे लाई कर रहा है AQ के, और ये थ्योरम याद रखिएगा, परपेंडिकुलर बाईसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लाई करता है वो इक्विडिस्टेंट होता है लाइन के एंड पॉइंट से. जैसे ये लाइन है, इसका एंड पॉइंट क्या है, A और P. अब जो सा परपेंडिकुलर बाईसेक्टर पे पॉइंट है वो A और P से इक्विडिस्टेंट होगा, चाहे वो परपेंडिकुलर बाईसेक्टर तो यहां तक भी एक्सटेंड हो रहा है, अगर यहां पे भी पॉइंट हो ये भी इक्विडिस्टेंट होगा P और A से. अब यहां पे B भी परपेंडिकुलर बाईसेक्टर है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं BP is equal to BA. मैंने यहां पे लिख दिया AB is equal to PB. फिर ये C परपेंडिकुलर बाईसेक्टर पे लाइक कर रहा है, C AQ के परपेंडिकुलर बाईसेक्टर पे लाइक कर रहा है, तो C will be equidistant from A and Q, means AC हमारा CQ के इक्वल आ गया. ये मैंने साथ में रीजन लिखना बहुत जरूरी है, any point on perpendicular bisector is equidistant from the end point of line. अब मेरे को पता है पूरा PQ, PQ बना देखो किन चीजों के साथ है, PB, BC plus CQ, और हमने ऊपर प्रूफ करा था PB AB के इक्वल है, तो मैंने PB की जगह पे क्या लिख दिया, AB. उसके बाद मैंने यहां पे लिखा था CQ AC के इक्वल है, CQ की जगह पे लिख दिया AC. अब हमारे को पता है पूरा PQ हमने कितना कंस्ट्रक्ट करा था, 11, और मेरे पास आ गया AB plus BC plus AC is equal to 11 सेंटीमीटर. ये जस्टिफिकेशन हो गई. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो आपको लिखने ही आते हैं, बेसिकली बच्चे जस्टिफिकेशन में कंफ्यूज होते हैं, बस जस्टिफिकेशन पे यही पॉइंट यूज हो रहा है, परपेंडिकुलर बाईसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, जैसे इस AP का परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ये लाइन हो गई है, इसके ऊपर पॉइंट B लाए कर रहा है, B इक्विडिस्टेंट होगा एंड वाले पॉइंट से, जैसे इस लाइन के एंड पॉइंट्स कौन से हैं, A और P, हमने इसका परपेंडिकुलर बाईसेक्टर निकाला, तो B will be equidistant from A and P, इससे BA BP के इक्वल आ गया. ऐसे ही हमने सॉल्व करके ये चीज प्रूव कर दी थी सारी.